मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के वामी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 3 बच्चों का शव बंधा मिला। परिजन का आरोप है कि बच्चों की आंखें निकाली गई है। इस आरोप के बाद पुलिस ने मामले में अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि बच्चों के शव सुरक्षित है। देर रात विंध्याचल IG रेंज पीयूष श्रीवास्तव ने बयान जारी कर बताया कि 3 बच्चों के शव सुरक्षित है। आंखें निकाले जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वही परिजन बच्चों की आंख निकाले जाने पर और शरीर पर चोट के निशान के कारण हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि 14 वर्ष के हरिओम, सुधांशु और शिवम 3 बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर पर आई बारात विदा होने के बाद पास के ही कुशियारा जंगल में बेर खाने के लिए दोपहर में निकले थे। घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 2 दिसंबर को दोपहर में लालगंज थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस दिन शाम को ग्राम कामापुर लोहरिया बंदा से 3 का शव मिला था। हाँ हाँ, चोट के निशान तो ही बा समनवा लेले फोटो वही बाहर खुला न बा। अच्छा, खोल देते ही नहीं सर, जो न बा सर में चोट बहुत ज्यादा बा। हाँ, आंखें निकाली बा दोनों तीनों के। हाँ हाँ, अब करे बात सीना में, बोलरी में, गर्दना में पूरा मारा हुआ। आज थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर में 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। मैं स्वयं आया हूँ, मेरे द्वारा 3 डेड बॉडी का निरीक्षण किया गया है। 3 डेड बॉडी के सभी अंग सुरक्षित हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई है सोशल मीडिया पर कि आंखें निकाल ली गई हैं। प्रथम दृष्टया ऐसी बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। 3 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तथा और जो जाँच चल रही है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।